everyone, this is Nushrat and welcome back to my YouTube channel MK Aditya. Now, bachcho, let's see the third question of exercise 12.1 NCERT class 9. Question number 3, kya kehta hai? Let's see. Question says here, bachcho, there is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the side of the walls are 50 meter, 11 meter, 6 meter, find the area painted in color. Okay? बच्चो जैसे कि आप फिगर को देख रहे हैं, बोर्ड पे लिखा है, मींस हमने बनाया अपने से, आप देख सकते हैं, नो वरी, बहुत अच्छा नहीं है, बट कोशिश की है मैंने, राइट? जस्ट लुक हियर, मान लेते हैं कि ये कोई स्लाइड है, स्लाइड फिसलन पट्टी जिसपे आप फिसलते हो, कितने बार आप गिर, आप कितने बार भाई, कभी आप उठते होंगे, कभी गिरते होंगे, राइट ना? ओके, सभी बच्चे गिरते हैं, फिसलते हैं, आपने भी एक्सपीरियंस ले रखी है, सो हमने भी ली है, राइट? सो हियर टेलिंग कि इसी तरह से एक स्लाइड है, ओके, फिसलन पट्टी जिसपे आप फिसलते हैं, आपको बहुत पसंद है, राइट? उस फिसलन पट्टी पे सपोज ये फिसलन पट्टी है जिसकी लेंथ इतनी है, मींस तीनों साइड गिवन है, 11 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर, लेंथ ब्रेथ है नहीं, तीनों साइड गिवन है, 11 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर, और इस स्लाइड की जो वॉल है, ओके, दो साइड वॉल होंगे ना, दिस साइड एंड दिस साइड, ओके, वन साइड पे लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, पार्क को ग्रीन रखे और साफ रखे, राइट? पार्क और पार्क को क्या रखने हैं, ग्रीन एंड क्लीन, साफ सुथरा और हरा भरा, राइट? जस्ट लुक हियर, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये लिखा है ट्रायंगुलर पार्क है, ओके, तो इस एरिया को हमें फर्क करने हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पार्क, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस पार्क, इस पार्क की एरिया कितनी है, सो लेट ए इक्वल्स टू, ए की वैल्यू मान लेते हैं 11 मीटर, बी इक्वल्स टू 6 मीटर एंड सी इक्वल्स टू 15 मीटर, देन एरिया, किसी भी ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, और वो सेमी पेरीमीटर बच्चों हम कैसे फाइंड करते हैं, जो भी हमारे यहाँ पर साइड्स गिवन होते हैं, मीन साइड्स के जो भी लेंथ गिवन होते हैं, तीन साइड होंगी ट्रायंगल की, ये तीनों साइड्स को हम ऐड करेंगे और उसे फिर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि तीनों साइड की जो लेंथ है वो पेरीमीटर है, लेकिन हमें फाइंड करने हैं सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर की हाफ, तो तीनों साइड्स को ऐड करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे, देन a इक्वल्स टू बार बच्चों a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2, दिस इज सेमी पेरीमीटर, a कितनी है 11, b कितनी है 6, c कितनी है 15, और ये तीनों किसमें है, मीटर में है, डिवाइडेड बाय 2, 6 5 11 11 1 12 2 10 1 1 1 2 2 1 3 32 32 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, व्हाट विल कम 16, सो a इक्वल्स टू व्हाट, a की वैल्यू आ जाती है 16 मीटर, राइट? a की वैल्यू क्या मिल गई हमें, स्टॉप रख लिया, हम यहां पे कर सकते हैं 16 मीटर, a की वैल्यू मिल जाती है 16 मीटर, सेमी पेरीमीटर है 16 मीटर, अब हमें फाइंड करने हैं इस पार्क का एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ द पार्क, पार्क नहीं है, ट्रायंगुलर पार्क है, एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क विच इज पेंटेड, जिसे पेंट किया गया है, कोई कलर से पेंट कर दिया गया है, उसके ऊपर लिखा गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इस पेंटेड पार्क जो हमारा ट्रायंगुलर पार्ट है, इस पेंटेड पार्क की हमें एरिया फाइंड करनी है, राइट? सो एरिया ऑफ द पेंटेड, एरिया ऑफ द पेंटेड पार्क मींस दैट इज ट्रायंगुलर इक्वल्स टू व्हाट, एस बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट, रूट के अंदर रखेंगे, एस कितने बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, 16, देन 16 माइनस 11, एस माइनस ए, देन एस माइनस बी, 16 माइनस बी कितनी है 6, देन 16 माइनस सी कितनी है 15, राइट? अंडर रूट, नाउ 16 इंटू 16 में से 11 माइनस करेंगे 5, 16 में 6 माइनस करेंगे 10, 16 में 5 माइनस करेंगे 1, अंडर रूट, नाउ 16 को हम इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं,
4 4 16 into 5 5 2 10 को हम स्प्लिट अप करेंगे, 10 को तोड़ना है तो हम इस तरह से तोड़ेंगे 5 2 10 into 5. नाउ जस्ट लुक हियर बच्चों, अब हम यहाँ देखेंगे कि इसमें से पेयर कौन कौन सी है। 4 की पेयर बनती है, 5 की पेयर बनती है, जिसकी पेयर है उसे हम बाहर निकालेंगे, राइट। एक 4 की पेयर बन जाती है, यहाँ पे ट्राई करते हैं, जस्ट लुक हियर, एक 4 एंड हियर 5, 4 में से एक पेयर मींस 4 की पेयर में से एक नंबर, 5 की पेयर में से एक 5 एंड 2 into 1 मींस क्या, 2 1 2, ये अंडर रूट में ही रहेगा। 4 5 20 20 root 2, देन 20 root 2 ये क्या है मीटर स्क्वायर में, 20 root 2 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द पेंटेड पार्ट। पेंटेड पार्ट की एरिया कितनी होती है, क्या हो गई 20 root 2 मीटर स्क्वायर।